जय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझो माता काली आपकी ज़िंदगी बदलने आ गई है यानी कि अगर आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है या फिर आपके आने वाले समय में आप लोगों के साथ ऐसा हो तो समझ लो कि माता काली आपके पास आ चुकी है वो भी आपकी ज़िंदगी को बदलने यदि आप नर्ग में हैं तो स्वर्ग में लाकर माता काली आपको खड़ा करने वाली है यदि आप किसी भी दिक्कत परेशानी में हैं तो उन दिक्कत परेशानियों से निकालने के लिए माता काली आप लोगों के पास आ चुकी है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ जब आप लोग दिक्कत परेशानी में होते हो या नर्ग में होते हो तो माता काली आपको स्वर्ग में बिठाती है लाकर और आपकी दिक्कत परेशानी जितनी भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम दिक्कत जो भी चल रही होती है वो हमेशा के लिए दूर कर देती है माता काली तो माता काली जब आप लोगों के पास आती है आपकी ज़िंदगी को बदलने तो आपके साथ कैसा होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर जल्दी से कहीं नहीं मिली होगी तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अभी समझाया है आपकी समझ में भी आ रहा होगा तो हम आगे बात करेंगे कि माता काली जब आपकी ज़िंदगी बदलने आती है तो आपके साथ उससे पहले क्या होता है जब आप लोगों के साथ ऐसा होने लगे तो समझ लो कि एक हफ़्ते में या दस दिन के अंदर अंदर माता काली आपके पास आने वाली है और आपकी नर्ग वाली जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए माता काली आप लोगों के पास आने वाली है तो जैसा कि दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ जितने भी माता काली के भक्त हैं ठीक है या फिर अन्य देवी देवता के भक्त हैं जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं पहले बता देती हूँ जब माता काली आप लोगों के पास आने वाली होती है उससे पहले आप लोगों के साथ बीतती हैं ऐसी बातें यानी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बदलने माता काली आ गई है अब आपको घबराना नहीं है अब आपको डरना नहीं है सिर्फ़ माता काली की नाम की जय जयकार लगाती रहने हैं तो जैसे कि मैं आपको बता दूं देखो अगर आपकी ज़िंदगी बदलने माता काली आपके पास आएगी तो उससे पहले आपके साथ होंगे कुछ दिक्कत कुछ परेशानी कुछ प्रॉब्लम ऐसी मतलब कि बीतेगी आप लोगों के साथ कि आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी में आ जाएंगे तो आप उस समय कहेंगे कि यार हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं इतनी भक्ति करते हैं चाहे किसी भी देवी देवता की करें तो फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो भक्ति नहीं करते वो तो सही रहते हैं पर हम भक्ति करते हैं पूजा पाठ करते हैं मंत्र का जाप करते हैं और माता रानी की श्रद्धा भावना से जो जलाते हैं तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है तो दोस्तों इसका असली अर्थ मैं आप लोगों को बताऊं आप लोगों के भक्ति करने वालों लोगों के साथ गलत क्यों होता है इसलिए होता है क्योंकि देवी देवता जिनका आप पूजन करते हैं चाहे वो माता रानी हो चाहे वो देवता हो चाहे वो भगवान हो जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी बदलने आपके पास आ रहा है तो जितने दिन आपकी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी चलने वाली है उसमें भी आप लोगों को माता रानी का नाम जपते रहना है चाहे माता काली का जप हो चाहे माता दुर्गा का जप हो चाहे माता वैष्णो का जप हो जिसका आप पूजन करते हैं उसका नाम जपते रहो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दिक्कत परेशानी यानी कि आपके बुरे दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे कि समझ लो जैसे ही आपके बुरा टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो समझ लो माता काली आपके पास आ चुकी है और आपकी ज़िंदगी माता काली ने ही बदली है मैं आपको अपनी बीती भी बात बताऊं मैं जब भक्ति पूजा पाठ माता काली की करती थी तो मैं भी ऐसे ही परेशान थी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी मेरे ऊपर मेरे घर पे मेरी फैमिली मेम्बर पर सभी पर आ रही थी पर उस वक्त भी मुझे मेरी गुरु माँ ने बताया कि माता काली की जो पूजा पाठ करते हैं या देवी देवता की जिसकी भी करते हैं वो परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में आप लोगों के साथ दिक्कत परेशानी काफ़ी ज़्यादा आपका बुरे बुरा समय आ जाता है तो अब बुरा समय जब ही आता है जब समझ लो आपके पास वो देवी देवता आने वाला होता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाला होता है तभी आपका ऐसा समय वो दिखाता है उससे पहले ताकि वो आपकी ज़िंदगी बदले तो आप उसे भूलो ना जब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी तो भूलो ना आप माता काली को इसलिए माता काली आप लोगों को थोड़ा बुरे बुरा समय इसलिए दिखाती है क्योंकि आपकी चलती है परीक्षा तो इस कठिन समय में आपको बिल्कुल हारना नहीं है मैं भी इस समय में हारी नहीं थी मैंने माता काली की पूजा पाठ सच्चे मन से हमेशा करती आई हूँ और आज भी करती हूँ और तभी माता काली ने देखो अपना आशीर्वाद बनाया कि कृपा करी कि आज माता रानी काली की कृपा से भगवान की कृपा से दो रोटी सुख शांति से खा रहे हैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो यदि आप लोग भी ऐसा आपके साथ होता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है माता काली का नाम जपते रहना है आपकी दिक्कत परेशानी जो भी लाइफ में चल रही है वो अपने आप ही दूर हट जाएगी और माता काली आपके पास जब आ जाएगी तो समझ लो कि आपकी दिक्कत परेशानी भी गई हमेशा के लिए डूब गई अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं क्योंकि माता काली आप लोगों के पास आ चुकी है तो जैसे ही आपकी दिक्कत परेशानी खत्म होएगी माता काली आपको सपने के माध्यम में दर्शन देना स्टार्ट कर देंगी तो जैसे दर्शन होएंगे समझ लो माता काली आपके पास आ गई है आपकी ज़िंदगी बदलने बस फिर तो आपकी आगे बल्ले ही बल्ले होने वाली है तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है आपकी समझ में भी आ गया होगा अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माँ काली हर हर महादेव माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें ओम नमः शिवाय जय माता